आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। इकहत्तर युद्ध के 50 साल पूरे, राजनाथ सिंह बोले हमें सशस्त्र बल पर गर्व। देश में ओमिक्रॉन मामले बढ़कर 73 हुए, तमिलनाडु में 7 साल का बच्चा संक्रमित। विवाह के लिए महिलाओं की उम्र 18 से बढ़ाकर 21 वर्ष करने के प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी, अब संसद में पेश होगा बिल। केरल में बर्ड फ्लू की दस्तक के बीच एक दिन में 11,268 बत्तखों को मारकर जलाया। बीजेपी के मंत्री नंदगोपाल नंदी ने अखिलेश यादव को कहा टीपू सुल्तान, बोले मुसलमानों को डराकर वोट लेते हैं। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश बुलेटिन की। अलीगढ़ में योगी के मंत्री ने अखिलेश यादव पर हमला बोलते हुए जोरदार तंज कसे। मंत्री नंदगोपाल नंदी ने धर्म विशेष की राजनीति को लेकर दिए गए बयान में कहा कि मुलायम सिंह ने अखिलेश को टीपू सुल्तान बना दिया है, यूपी की राजगद्दी सौंप दी, लैपटॉप पर वीडियो गेम में पूरे 5 साल बिता दिया, अखिलेश ने गुंडागर्दी को चरम पर पहुंचा दिया। 2022 में जीतने के लिए, मुस्लिम वोट लेने के लिए अखिलेश उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं, जिन्ना को आदर्श बता रहे हैं, जबकि अखिलेश यादव ने थूक कर चाटे का काम किया है, क्योंकि अखिलेश ने कहा था कि ये भाजपा की वैक्सीन है, हम नहीं लगवाएंगे। निरंकुश पर अंकुश लगाना, उत्तर प्रदेश से आज पूरा देश सीख रहा है और देश के लोग कहते हैं कि योगी जैसा मुख्यमंत्री हमें भी मिल जाए। लेकिन मैं आपको इस बात का आश्वासन देता हूं और इस बात का भरोसा दिलाता हूं, एक प्रक्रिया के तहत कोई भी चीज़ की गई है उसमें एक समय लगता है कि नहीं, इतने दिन में मिट्टी पटनी चाहिए, मिट्टी दब जाएगी, फिर मिट्टी पड़ेगी, फिर इसको बराबर करना है। जो प्रक्रिया है, जो टाइमिंग है, उसके अंतर्गत है तो ठीक है, अगर उसके अंतर्गत नहीं है, कोई भी लापरवाह अफसर अगर लापरवाही किया है तो वो बख्शा नहीं जाएगा। आपने देखा है यहाँ पर ज़िले का जो कप्तान, यहाँ पर मीन्स उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ, उत्तर प्रदेश में जो पुलिस के कप्तान थे, अगर उन्होंने गलती की है, पूरा सिपाही से ले कर पूरे थाने उनको सलूट करते थे, तो उनके खिलाफ़ भी FIR हुई, अगर वो फरार हुए तो उनके यहाँ भी 82-83 की कार्रवाई करके कुड़की किया गया है। ये कानून का राज स्थापित करने में आदरणीय योगी जी ने एक मिसाल कायम की है, तो चाहे वो अपराधी हो चाहे। विधानसभा चुनाव के करीब आते ही हर पार्टी जनता की बीच जुड़ने के प्रयास में जुटी हुई है। इसी कड़ी में सिद्धार्थनगर में समाजवादी पार्टी ने विशाल जनसभा करके सपा सरकार की उपलब्धि लोगों के बीच रखी। इस जनसभा में सपा के कद्दावर नेता और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष माता प्रसाद पांडे पहुंचे, जहां वो जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा सरकार पर जमकर बरसे। इस दौरान उन्होंने भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकने की जनता से अपील भी की। माता प्रसाद पांडे ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी इस बार भाजपा को सत्ता से बाहर कर देगी, क्योंकि जनता अब इनकी हिंदुत्व की बातों पर विश्वास नहीं करती है। देखिए, यहाँ की जनता उनके अब इस हिंदुत्व के बात पर विश्वास नहीं करती, क्योंकि जनता विकास चाहती है, जनता खुदे उनसे बड़ी हिंदू है, उनके भाजपाइयों से ज्यादा बड़ी हिंदू है, वो हिंदुत्व पर अब नहीं जाएगी, वो विकास पर जाएगी, वो विकास केवल और केवल इस प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व। आगरा के शहर और देहात में सपा को मजबूत बनाने के लिए एक कार्यकर्ता सम्मेलन किए जा रहे हैं। वहीं ताज नगरी में भी जिलाध्यक्ष मधुसूदन शर्मा ब्राह्मण वोट बैंक बढ़ाने में पूरे जोर शोर से लगे हुए हैं। इसी कड़ी में आगरा के जाने माने समाज सेवी मुकेश शर्मा ने भी अपने दर्जनों कार्यकर्ताओं के साथ समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया है। इस दौरान मुकेश शर्मा ने कहा कि विकास, बेरोजगारों को रोजगार जैसी सोच रखने वाली पार्टी को देखते हुए उन्होंने सपा का साथ देने का फैसला लिया है। समाजवादी पार्टी जिला और महानगर के सभी पदाधिकारी यहाँ मौजूद हैं,
आज फतेहाबाद विधानसभा से मुकेश शर्मा जो समाज सेवी हैं, व्यापारी भी हैं, आज समाजवादी पार्टी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के निर्देशानुसार उनके आशीर्वाद से आज आगरा में पार्टी की नीति और रीति देखते हुए आज ये शामिल हो रहे हैं। हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। पार्टी को बहुत फायदा मिलेगा। पार्टी के प्रति उनका ईमानदारी और निष्ठा के साथ काम करेंगे, ऐसा समाजवादी पार्टी उनको स्वागत और सम्मान करते हैं। और पूरा खबर सीतापुर शहर कोतवाली इलाके से है, जहां पति के द्वारा अपनी पत्नी को तीन तलाक देने का मामला सामने आया है। साथ ही महिला ने अपने देवर पर अश्लील हरकतें करने का भी आरोप लगाया। पीड़ित महिला ने बताया कि उसकी शादी 5 फरवरी 2016 को हुई थी, जिसके बाद ससुराल पक्ष लगातार महिला से पैसे की मांग करने लगे। शिबाना का आरोप है कि उसके पति का किसी महिला से अवैध संबंध है, जिसके कारण उसने तीन तलाक दिया है। मेरे हस्बैंड और उनके घर वालों ने शादी के बाद से मेरे साथ बहुत गलत व्यवहार किया। दहेज को लेकर के वो हमको बहुत ज़्यादा प्रताड़ित करते थे जी। और उसके बाद जब हम प्रेगनेंट हुए, लड़के की चाहत में उन्होंने काफ़ी हम पे प्रेशर डाला कि हम चेकअप कराएं, और ज़बरदस्ती लेकर के भी गए। जब पता चला कि बेटी है तो उन लोगों ने उसको भी मारने की बहुत कोशिश करी। अच्छा। उसके चलते मेरी बेटी हैंडीकैप है, उसको दिव्यांग बेटी है, उसके हाथ काम नहीं करता है। और जब भी हम कोई बात कहते थे कुछ तो ये लोग धमकी देते हैं कि हम तुमको तलाक दे देंगे। कई बार उन्होंने लड़ाई झगड़ा करा, हमेशा कोई भी बात होती थी धमकी देते थे। अच्छा। और जो हमारे देवर हैं, जो सास हैं, ये लोग हमको बहुत मारते थे कि आपके पापा पुलिस में रिटायरमेंट हैं और पुलिस में इतने बड़े अधिकारी थे। मेरे पापा दरोगा थे पुलिस में, इस्माइल बेग नाम है उनका जी। तो कहते थे कि इतने बड़े अधिकारी रहे हैं तो क्या काम नहीं दे सकते हैं जी। उसको लेकर के चलते हमको काफी मेंटली फिजिकली जो है टॉर्चर किया जाता था। अच्छा। और पिछले 5 महीने से इन्होंने हमको घर से निकाल दिया। अच्छा। फिर जब हम कई बार गए मिलने के लिए या कोई चीज करने तो इन लोगों ने मार के हमको घर से बाहर। इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता कुलदीप जुड़ चुके हैं सीतापुर से। कुलदीप, क्या है पूरा मामला, किस तरह का आरोप लगा रही है महिला? सीतापुर में जो कि ये महिला ऊंचा टीला पर रहती है, कोतवाली शहर के चुंगी चौकी पर ऊंचा टीला तरीनपुर के रहने वाली है जी। इसका 4 साल पहले हुई थी, एक जो की पूर्व में शादी हुई थी 4 साल पहले। उसके बाद यहाँ पे उसके आदमी जो है ब्लैकमेल करते थे, उसके बाद दहेज की डिमांड कर रहे थे कि कह रहे थे पैसे दीजिए, इतना इतना गाड़ी दीजिए, गाड़ी नहीं दोगे तो हम तुम्हें छोड़ देंगे। उसके पूर्व में कई घटना भी इसके साथ किए गए, ब्लैकमेल भी अभी भी कर रहा है कि अभी हमको अपने मायके से इतना इतना पैसा ला के दीजिए, जो कि इसके कुछ महीने का बच्चा भी था पेट में, जो कि मालूम हुआ बेटी है। उसका जाँच कराई गई, उसके बाद आधार पे मैं उसके ससुराल वाले जो कह रहे थे कि हमको लड़के के रूप में चाहिए जन्म, उन्होंने जब लड़का नहीं होने के कारण उन्होंने वही ससुराल वाले उन्हें उसे दवाई खिला दी गई, उसी पेट में बच्चे की डिफरेंस होने के कारण वो विकलांग बच्चा हुआ जी। उसके बावजूद इस मामले में पुलिस अब क्या जांच कर रही है? पुलिस के दिया एफआईआर ने और जांच भी के आधार पर सीओ सिटी पीयूष कुमार से बात करने की कोशिश की, पीयूष साहब ने समय नहीं दिया। सीओ सिटी यहाँ के है, सीओ सिटी जी। कुलदीप, अवैध संबंध के बारे में भी बताया है महिला ने कि उसके पति के किसी के साथ अवैध संबंध है, जिस वजह से तलाक दे दिया गया है, तो क्या इस बात की पुष्टि हुई है? मैंने महिला से बात की, कहा ऐसा कुछ नहीं है। और जो कि मेरी जो है पहले पूर्व में कई नौकरी लग रही थी, जो कि कई मेडल भी जीत चुकी है, सबसे नंबर एक पे नाम इसका रोशन हुआ था सीतापुर जिले में। और जो कि पूर्व में इसके पिता आर्मी में थे, कर्नल के रूप में, वो रिटायर हो गए थे। उसके बाद वो पहचान घर पे ही रहते, और इसके देवर जो और नंद है वो कई कोशिश करने की, हत्या करने की कोशिश की इसके बस जी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता कुलदीप जुड़े थे सीतापुर से।
रायबरेली में जिले के दलित चिंतक और विचारक वैजनाथ कुरील की जयंती है। इस अवसर पर परिषद की तरफ से सैकड़ों जरूरतमंदों को कंबल बांटे गए। संगठन से जुड़े शिव कुमार ने बताया कि वैजनाथ कुरील की आज 101 जयंती है। उन्होंने जिस तरह से सामाजिक भेदभाव को खत्म करने के लिए प्रयास किए, इस कार्यक्रम के दौरान जरूरतमंदों के साथ साथ विकलांग लोगों को भी कंबल दिए गए। बाबू बैजनाथ कुरील जो कि रायबरेली जनपद के प्रथम सांसद थे, उनकी जन्म जयंती का कार्यक्रम था। उस जन्म जयंती के कार्यक्रम में हम लोगों ने कंबल वितरण करने का काम किया, अन्य वितरण करने का काम किया और मिष्ठान वितरण करने का काम किया। एक हमारा और है, यदि हमारे यहाँ हमारे नेता के सामने, महापुरुष के सामने पुलिस प्रशासन द्वारा अतिक्रमण करने का काम किया गया है, यदि यह अतिक्रमण न हटाया गया तो हम पिंडदान करने का भी काम करेंगे। ऐसा मेरा यहाँ पे रायबरेली के प्रथम सांसद जिनका यह स्मारक मूर्ति है, इनका 101वां जन्म दिवस है बाबू बैजनाथ कुरील जी का। इनका 101वां जन्म दिवस है, इनके 101वें जन्म दिवस पे सभी रायबरेली शहर के सभी समाज के सभी धर्मों के लोगों ने बड़ा बढ़ चढ़ कर यहाँ पे हिस्सा लिया, चाहे वो व्यापारी हो या समाज सेवी हो या हमारे बहुजन समाज उस समाजवादी विचारधारा के विचारक हो, इन सब लोगों ने अपने गरीब शोषित वंचित बाबू बैजनाथ कुरील जी को 101वें जन्म दिवस पे उनको याद किया। उनके स्मरण पे आज हमारे बहुत से विभिन्न सामाजिक संगठनों के द्वारा आज यहाँ पे रायबरेली में जिला जज डीएम और एसपी ने जिला जेल का निरीक्षण किया। इस दौरान महिलाओं के लिए अलग अस्पताल का उद्घाटन भी किया गया। निरीक्षण के दौरान बंदियों से ये भी जाना गया कि उनके मामले की पैरवी करने के लिए उनके पास वकील है या नहीं। इस दौरान जिला जज अब्दुल शाहिद ने बताया कि निरीक्षण के दौरान महिला बंदियों के बच्चों को ठंड से बचाने के लिए उन्हें कपड़े दिए जाने के निर्देश दिए गए हैं और सभी बंदियों से जानकारी ली गई है कि उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी तो नहीं है। लोगों ने जेल का निरीक्षण किया है, यहाँ पर सारे बंदियों से हालात लिए गए कि ऐसा तो कोई नहीं है जिसके पास वकील नहीं है। बच्चे जो हैं यहाँ पर 3 छोटे बच्चे हैं, उनको कपड़े दिए गए, बच्चों के खेलने के लिए जगह को उद्घाटन किया गया, महिलाओं के लिए अलग अस्पताल का उद्घाटन किया गया और उन सारे बंदियों से हाल पूछा गया। किसी को वकील की ज़रूरत तो नहीं है, किसी को इलाज की ज़रूरत तो नहीं है। उनके द्वारा जो अवगत कराया गया है, उनको उनको जो विधिक सहायताएँ प्राप्त की जानी है वो उनको दी जाएंगी और जो इलाज के संबंधित में उनके द्वारा अवगत कराया गया है वो किया जाएगा। और जेल में जो बंदी हैं 5 साल से अधिक के, उनकी एक लिस्ट बनाने का आदेश दिया गया है जो उनके मुकदमे। और इस खबर पर मैं ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता ओम शंकर जुड़ चुके हैं रायबरेली से। ओम शंकर, कितनी महिलाएं रहती हैं इस जिला जेल में और किस तरह के निर्देश दिए गए महिलाओं के लिए? कम से कम 70 से 75 महिलाएं इस समय जो है वो बंदी है विभिन्न विभिन्न धाराओं में, चाहे वो कच्ची शराब हो चाहे दहेज हत्या के मामलों में। लेकिन जो है ये निश्चित बहुत ही सराहनीय पहल है, जिन गरीबों के जो छोटे छोटे धाराओं में मुकदमे पंजीकृत थे और वो जेल में थे, जिनके जमानत दान नहीं थे, उनके लिए भी अब की बार जो है शासन ने के स्तर पर जो कार्रवाई हुई वो निश्चित सराहनीय है। और जिला जज अब्दुल शाहिद, पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार के साथ जिला अधिकारी वैभव श्रीवास्तव ने भी डीएम का जिला जेल का निरीक्षण किया है और जो है बंदियों को ठंड से बचाने के लिए कंबल है और हॉस्पिटल की भी एक सुविधा मिली है जो कहीं ना कहीं बहुत ही सराहनीय कदम है। जी ओम शंकर, हम ये भी जानना चाहेंगे कि जो इन बंदियों के बच्चे, उनकी शिक्षा के लिए क्या व्यवस्था की गई है? हाँ, और जो जिन बंदियों के बच्चे जो है वो पढ़ने लायक है उनके लिए भी पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था की गई है। और जो छोटे बच्चे हैं वो चूंकि माँ के साथ ही रहते हैं, जिनके घर में और कोई बच्चे पालने वाला नहीं है, तो कहीं ना कहीं उनके स्वास्थ्य और जो है इलाज की सुविधाओं के लिए ये एक बहुत बड़ी पहल है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए। अगली खबर पे भी बने रहिए, हमें जानकारी देते रहिए। ओम शंकर।
रायबरेली में खाना बना रही महिला आग से झुलस गई, जिसे बचाने के चक्कर में पति और सास भी गंभीर रूप से झुलस गए। पड़ोसियों ने किसी तरह आग पर काबू पाया। आग से झुलसे परिवारजन को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया है, जहां पर उनका इलाज किया जा रहा है। और इस खबर पे भी हमारे साथ संवाददाता ओमशंकर जुड़े हैं रायबरेली से। ओमशंकर, किस वजह से आग लग गई खाना बनाते वक्त? क्या सिलेंडर लीक हो रहा था, सिलेंडर फटने से आग लगी है, क्या है मामला? हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। आपको बता दें कि खाना बनाते समय घर में आग लग गई, जिसमें महिला को बचाने के चक्कर में सास और पति भी झुलस गए हैं, और पड़ोसियों ने आग पर काबू पाया। और इस आग पर काबू पाने के बाद घायलों को, जो व्यक्ति आग में झुलस गए हैं, उन्हें इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया है, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। तो खाना बनाते वक्त आग लगने की ये खबर सामने आई है, रायबरेली से ये खबर सामने आई है, जहां पड़ोसियों द्वारा आग पर काबू पाया गया और झुलसे हुए व्यक्तियों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचा दिया गया है। खाना बनाते वक्त महिला आग में झुलस गई, और उसे बचाने के लिए पति और सास ने जब प्रयास किया तो वो भी गंभीर रूप से इस आग में झुलस गए। तो गंभीर रूप से पति और सास भी झुलस गए, खाना बनाते वक्त महिला झुलस गई। पड़ोसियों ने इस आग पर काबू पाने में मदद की और सभी घायलों को, सभी झुलसे हुए लोगों को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया है। और इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता ओमशंकर जुड़ चुके हैं रायबरेली से। ओमशंकर, कितने लोग घर में मौजूद थे जब ये आग लगी? घर में जो है बेटा था, बहू थी और माँ थी। बहू खाना बना रही थी और खाना बनाते समय ही उसके चूल्हे से जो है वो कपड़ों में आग लग गई। उसके चीखने चिल्लाने पर उसको बचाने के लिए यहाँ उसका पति और सास दौड़ी। हालांकि बचा तो लिया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं महिला को बचाने के चक्कर में सास और बेटा भी जल गए हैं, जिनको भी जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता ओमशंकर जुड़े थे रायबरेली से। सीतापुर के मोहल्ला ठीकरपुरवा में बीते 2 दिसंबर को एक युवक ने मारपीट की थी, जिसमें सोनू नाम का युवक गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसमें उसकी 4 पसली टूट गई थी, जिसका इलाज घर पर ही चल रहा था। जिसकी तबीयत बिगड़ने पर परिजन उसे अस्पताल ले गए, जहां रास्ते में उसकी मौत हो गई। जिसके बाद मृतक के परिजनों ने पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि नामजद रिपोर्ट होने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। कार्रवाई नहीं होने से घर वालों ने अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया है। इस मामले की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के परिजनों को कार्रवाई का आश्वासन दिया। सोनू मारिन दिलीप और संतोष मारिन है, जिसे दवाई लाई लड़के की मारिन पे आज कल खत्म हुई गई। सौ नंबर का हमारे भैया जब खत्म होगा 100 नंबर मिलाई, पुलिस गाड़ी भी आई, पुलिस भी आई, अब कुछ नहीं है, कार में आई। अलीगढ़ के थाना बन्ना देवी क्षेत्र की मधुवन विहार कॉलोनी में घर से कोचिंग जा रहे बालक की कार से कुचलकर मौत हो गई। हादसे के बाद आरोपी चालक कार को छोड़कर मौके से फरार हो गया। कार इलाके के ही एक प्रधान की बताई गई है। उधर हादसे के बाद मौके पर जुटे लोग गंभीर हालत में छात्र को जीएन मेडिकल कॉलेज लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। हादसे में घर के इकलौते बेटे की मौत के बाद से ही परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। इस घटना की सूचना मिलने पर पहुंचे प्रभारी निरीक्षक बन्ना देवी सुभाष बाबू ने बताया कि आरोपी कार चालक की तलाश की जा रही है। तो कोचिंग जा रहे छात्र की मौत हो गई है, कार के नीचे दबने से मौत हुई है और कार चालक कार छोड़कर भाग गया है। आपको बता दें कि अलीगढ़ का ये मामला है और जिस जगह ये घटना हुई है अलीगढ़ के थाना बन्ना देवी, तो वहीं के ही एक व्यक्ति की ये कार बताई जा रही है। इसके बाद आरोपी चालक फरार हो गया है और कार वहीं पे छोड़कर फरार हुआ। कार इलाके के ही एक प्रधान की बताई जा रही है, जिसकी तलाश पुलिस द्वारा अब की जा रही है।
बाईपास मधुबन विधायक कॉलोनी में 10 साल का बच्चा है जिसका नाम रोबिन है, जिसके पिता का नाम रवि है, रवि चौहान। मधुबन विधायक कॉलोनी में अकेला बेटा था, 2 बेटियों पे और एक्सीडेंट 4 पहिया गाड़ी से हो गया है। किसकी गाड़ी थी कुछ पता लग रहा? ये सुनते हैं कि बंटी प्रधान के भाई की गाड़ी थी। क्या नाम है? गजेंद्र नाम बताते हैं, गजेंद्र। तो बच्चा के मौके पे खत्म हो गया? हाँ, यही एक्सपर्ट खत्म हो गया है। और इस खबर पे हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता नितेश जुड़ चुके हैं अलीगढ़ से। नितेश, कितने साल का बच्चा बताया जा रहा है जिसकी मौत हो गई? शिखा, मैं आपको बता दूं, ये पूरा मामला अलीगढ़ के थाना बन्ना देवी क्षेत्र का है। बच्चा कोचिंग के लिए घर से निकला था, बच्चे की उम्र 9 साल बताई जा रही है। जी, तो घर से कितनी दूरी पर हुआ यह हादसा नितेश? बच्चा कुछ ही दूरी पर जाकर एक कार वाले ने इस बच्चे को कुचल दिया और उसकी दर्दनाक मौत हो गई। जी नितेश, कार प्रधान की बताई जा रही है, तो क्या प्रधान का पता लगाया जा सका है अभी तक? अगर बात कही जाए, प्रधान का पता लग तो चुका है, लेकिन अभी कोई कार्रवाई का मतलब निरीक्षक हो चुका है, लेकिन अभी कोई कार्रवाई हो नहीं पाई है। जी, तो क्यों नहीं कार्रवाई हो पाई है अभी तक नितेश, क्या वजह है? अगर कार भी मिल गई, उसका नंबर भी मिल गया और ये भी पता चल गया है कि कार किसकी है, तो वजह क्या है? वो अभी जो आरोपी है वो अभी फरार है, वो अभी हाथ नहीं आया है और पुलिस कार्रवाई कर रही है, उसको ढूंढने की कार्रवाई कर रही है पुलिस। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता नितेश जुड़े थे अलीगढ़ से। खबर फतेहपुर से है, जहां पर पेट्रोल पंप के सामने तेज रफ्तार अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार कैलाश यादव की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई, जबकि उसकी पत्नी सुनीता देवी और बेटा ब्रजेश यादव गंभीर रूप से घायल हो गए। दुर्घटना के बाद घायल सुनीता देवी और ब्रजेश यादव को इलाज के लिए स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जिसमें ब्रजेश यादव की हालत गंभीर देखते हुए चिकित्सक ने प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया, जहां पर उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।